आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं आज आपको एक बहुत ही स्पेशल जगह ले जा रही हूँ। देखते हैं वहाँ पे क्या क्या स्पेशल है, खाने की चीज और घूमने की चीज। और हमारे साथ है कनक क्रिएशन, दिव्यांग एंड महेश जी हमारे साथ है। आज हमने इनको पकड़ लिया है, हमने कहा आज हमें घुमाना है। आज हमारा पहले तो हम घर में ही कुकिंग की वीडियो खाली बना के डालते थे, लेकिन बहुत लोगों की डिमांड आई कि जब आप बाहर घूमने जाते हो तो उसका भी ब्लॉग डाला करो। तो इसीलिए आज हमारी प्लानिंग हुई है बाहर जाने की, क्योंकि आज संडे है। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बनाया जाए जिसमें मैं आपको दिखा सकूं कि वहाँ पे मुरथल में क्या क्या वैरायटीज हैं और कैसा वहाँ पे आप देखेंगे व्यूज हैं। तो क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मुरथल में सुखदेव और गरम धर्म आमने सामने हैं, तो सबसे पहले हमने सोचा पहले एक बार पहले गरम धर्म चलकर देख लो। आ जाओ सारे साथ में, आ जाओ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गरम धर्म पर। सबसे पहले हमने एंट्रेंस पे कुछ पिक्स ली, उसके बाद हम फिर अंदर गए। आज संडे है तो आज हमें यहाँ पे काफी रश दिख रहा है। वैसे आप कभी भी प्लानिंग करें तो और भी किसी डे पे आना, लेकिन संडे पे मत आना क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे कितना रश है। आज मौसम भी काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं ऊपर आपको बादल नजर आ रहे होंगे, कितना सुंदर व्यू है। तो चलिए अंदर चलते हैं। मैंने सुना है यहाँ पे उनकी कई जो मूवीज़ हैं उनकी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे बाइक ट्रक वगैरह यहाँ पे हैं जिन पे लोग पिक्स लेते हैं। काफ़ी अच्छी पिक्स मैंने देखी है कई लोगों की। तो चलिए देखते हैं, आपको अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ मैं। देखिए ये सारी चीज़ें उन्होंने किसी ना किसी मूवी में इनका यूज़ किया है। देखिए पीछे बच्चे भी पिक्स ले रहे हैं। ये कोई जीप है, ये भी किसी मूवी में आई है, पता नहीं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है मूवीज़ की, लेकिन ये भी उन्होंने किसी मूवी में यूज़ की है। हाँ इसका ज़रूर पता है मुझे, ये शोले फिल्म में उन्होंने बाइक इस्तेमाल की थी। इसमें देखिए बच्चे पिक ले रहे हैं। ये ट्रक है, ये भी किसी मूवी में उन्होंने लिया था। हमारी प्लानिंग चेंज हुई, हमने सोचा आज हम गरम धर्म में ना खाकर सुखदेव पर जो खाना खाएंगे, वहाँ के जो पराठे हैं बहुत ही मशहूर है, तो हम सुखदेव पर आ गए हैं। मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रखा है, ऊपर आप बादल देख सकते हैं कितना बढ़िया मौसम हो रखा है। आज संडे है तो आज बहुत ही सारे लोग यहाँ पर आ रखे हैं, आज काफ़ी रश है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर सीट मिलना भी बहुत मुश्किल हो गई थी। हम काफ़ी देर हमने वेट किया, उसके बाद कहीं जाकर हमें बैठने की जगह मिली। आप देख सकते हैं इन्होंने टेबल पे दो तीन तरह के अचार और सिरके वाली प्याज, हरे मिर्च, चाट मसाला वगैरह काफ़ी चीज़ें पहले से ही रखी हुई हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और खाना भी सच में ही बहुत ही टेस्टी था। फाइनली वेटर हमारे पास मेनू कार्ड लेके आ गए हैं, हम उनमें से देख रहे हैं कि हमें क्या ऑर्डर करना है। मैं आपको भी ज़रा पास से दिखाती हूँ इसमें प्राइजेज सभी चीज़ों का। देखिए इसमें शेक्स, कॉफ़ी सभी चीज़ दी हुई हैं, इंडियन स्नैक्स, साउथ इंडियन, तंदूरी, सभी तरह की चीज़ें इसमें आपको अवेलेबल होगी। देखिए सूप, स्नैक्स, चाइनीज़ और राइस नूडल्स वगैरह सभी के रेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ।
लेकिन जो यहाँ की स्पेशल थाली है और पराठे विद बटर वो हमने ऑर्डर किए, जो कि यहाँ की बहुत ही स्पेशल थे और रियल में ही जो पराठे हैं उनका बहुत ही अलग ही टेस्ट था। फाइनली हमारी प्लेट और पराठा आ गया है। देखिए आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा दूर से ही, ये इसमें बटर ही बटर जो पराठे में नज़र आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ का स्पेशल है और एक बार आप आके अगर ट्राई करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रियल में ही ये बहुत अच्छा और यहाँ का सबसे स्पेशल जो पराठा है। देखिए थाली है, थाली में कई तरह की वेजिटेबल्स हैं, राइस, रायता और स्वीट सैलेड, इसमें काफ़ी तरह की चीज़ें हैं। एक आपको इसमें थाली में स्वीट भी मिलेगा, हमें वाइट रसगुल्ला जो स्पॉन्ज रसगुल्ला होता है वो इसमें मिला। लेकिन सच में रियल में खाना बहुत ही टेस्टी था और जो पराठे हैं वो खाली बटर और अचार से भी इतने टेस्टी लग रहे थे। कैसा लगा खाना? टेस्टी? आवाज नहीं आ रही। खाना फिनिश होने के बाद बच्चों के लिए हमने शेक्स ऑर्डर किए थे और अपने लिए यहाँ की स्पेशल चाय। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया चाय लग रही है, जितनी देखने में है उससे कहीं गुना ये पीने में भी टेस्टी थी। आप भी ये आकर जब खाना खाएं उसके बाद चाय ज़रूर लीजिएगा। देखिए कितनी बढ़िया चाय लग रही है और सच में ही इसमें अदरक, इलायची, मुझे सब कुछ ऐसा लगा बिल्कुल एक जो परफेक्ट चाय कह सकते हैं मसाले वाली चाय, ये वो चाय थी। ऑल ओवर खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मतलब बिल्कुल मजा आ गया खा के। आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा यहाँ के। आपको कैसा लगा खाना यहाँ का? सच में टेस्टी लगा, बहुत बढ़िया मजा आ गया। अगली बार आप दोबारा आना चाहोगे यहाँ पे? मैं तो बार बार आना चाहूंगा। चलो जी ठीक है जी, ये बार बार आएंगे इनके साथ, हम भी बार बार आ जाएंगे। देखिए आसमान कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बादल बीच में से फट गए हों और ऊपर से रोशनी की किरण निकल रही हो। देखिए कितना सुंदर व्यू आपको लग रहा है। देखिए और ये जो नीचे घर अभी जो मैंने दिखाया है ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हॉरर मूवी में वो घर आते हैं, और बादल भी बिल्कुल ऐसे काले हो रहे हैं। तो आज मौसम भी बहुत ही अच्छा था, काफ़ी इंजॉय किया सभी ने। ऑल ओवर सभी चीज़ें बहुत ही टेस्टी थी, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।